हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सिक्स पार्ट ऑफ लेसन फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम टुडे वी आर टॉक अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सो सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी ऑंड एंड कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी को अलग से इंस्टॉल किया जाता है बिकॉज हमारी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है चाहे वो डेटा हो चाहे फाइल्स हो कुछ भी हो वो सभी सेकेंड्री मेमरी में ही स्टोर होती है सो कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी को अलग से इसलिए इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि वो स्टोरेज के काम आती है सो so, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं इसकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी से तो कम होती है लेकिन जो स्टोरेज लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है और आप इसकी मेमोरी को कभी भी अपग्रेड करवा सकते हो सो so, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली जो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी में पॉसिबल नहीं है जब भी हम डेटा को जब भी हम डिस्क में डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है सो so, डिस्क में होल्ड करने वाले डेटा के अमाउंट को डिस्क कैपेसिटी की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है जैसे बाइट्स किलोबाइट्स मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स और बहुत सी टर्म में इसकी मेमोरी को मीज़र कर सकते हैं सो so, कंप्यूटर में सेकेंडरी डिवाइस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सो so, फर्स्ट आता है हार्ड डिस्क सेकेंड ब्लू रे डिस्क थर्ड सीडी, फोर्थ मैग्नेटिक टेप्स फिफ्थ इज डीवीडी, सिक्स्थ इज यूएसबी पेन ड्राइव एंड लास्ट सेवन इज मेमोरी कार्ड्स तो फर्स्ट हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की डिस्क की आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ कि सबसे पहले कि सबसे पहले हार्ड डिस्क को आई कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था एंड जो फर्स्ट हार्ड डिस्क बनी थी वो बनी थी नाइनटी में हार्ड डिस्क जो बनी होती है वो एल्यूमिनियम मेटल से बनी होती है द डिस्क रोटेट्स वेरी फास्ट ऑन ए स्पिंडर ऑन विच द कोटिंग ऑफ मटेरियल इज़ माउंटेंड सो जो हार्ड डिस्क के अंदर रोटेशन होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है सो so, रोटेट्स की स्पीड को आर पी एम इट मीन्स रेवोल्यूशंस पर मिनट में मीज़र किया जाता है और मार्केट में 5,200 थाउजेंड और 7,200 थाउजेंड वाली हार्ड डिस्क अवेलेबल है ओके okay, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है सो so, हार्ड डिस्क ड्राइव में ट्रैक और सेक्टर में डेटा स्टोर होता है एक सेक्टर में 512 बाइट्स डेटा स्टोर होता है अगर हम कंप्यूटर में विंडो करते हैं तो विंडो कहाँ पे इंस्टॉल होती है अगर कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल करते हो तो हार्ड डिस्क की सी पार्टीशन में विंडो को इंस्टॉल किया जाता है अगर स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क में पर्सनल डेटा फाइल्स ऑडियो वीडियो पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं एंड हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जिसकी हाई कैपेसिटी जिसकी हाई कैपेसिटी स्टोरेज वन टी बी इट मीनस वन टेरा बाई टू हंड्रेड टेराबाइट तक अवेलेबल होती है मिस हैंडलिंग से भी हार्ड डिस्क लॉस्ट और डैमेज नहीं हो सकती क्योंकि हार्ड डिस्क सी के अंदर इंस्टॉल होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया डेटा को ट्रैक्स सेक्टर एंड सिलेंडर में प्लेटर्स पर स्टोर किया जाता है ताकि इसे ऑर्गेनाइज किया जा सके और डेटा को फाइंड करना इजी हो सके सो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रैक्स की व्हाट इज़ ट्रैक प्लेटर्स को कौन रिंग्स में डिवाइड किया जाता है जिसे ट्रैक्स कहते हैं एक प्लेटर में हजारों ट्रैक्स होते हैं और एक ट्रैक को सेक्टर के सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है जो कि सेक्टर स्टोरेज की बेसिक यूनिट है सेकेंड हम बात करते हैं सेक्टर की जैसा कि आपको मैंने बताया कि हर ट्रैक को सेक्टर में डिवाइड किया जाता है एक सेक्टर में एज ए रूल 512 बाइट्स डेटा स्टोर किया जाता है थर्ड हम बात करते हैं सिलेंडर की सिलेंडर में एक ही पोजीशन पर सभी हेड्स, सभी अलग अलग प्लेटर्स पर सभी हेड्स के थ्रू डिस्क्राइब ट्रैक्स का सेट होता है हर एक सिलेंडर हर एक सिलेंडर डिस्क के सेंटर के इक्वल होता है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनते हैं कि हार्ड डिस्क की स्ट्रक्चर क्या है इसके पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं और सिक टाइम लेटेंसी टाइम और ट्रांसफर रेट क्या होता है ये सब आपको विद डायग्राम ऑफलाइन क्लास में एक्सप्लेन करूँगा ओके सो हम बात करते हैं सेकेंड स्टोरेज डिवाइस की जो है ब्लू रे डिस्क ब्लू रे डिस्क देखने में सी और डी की तरह होती है बट इसको रीड एंड राइट करने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है ओके सो लेज़र लाइट ब्लू वॉलेंट रे की होती है इसलिए इसे ब्लू रे कहा जाता है ब्ल्यू रेड डिस्क हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क है जिसे रिकॉर्डिंग रीराइटिंग हाई डेफिनेशन वीडियो प्ले करने के लिए डेवलप किया गया है ब्लू रेड डिस्क में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं और लाइट की हेल्प से ब्लू रेड डिस्क में फिफ्टी जी तक डेटा स्टोर किया जा सकता है आपको एक बात और बता दूँ ब्ल्यू रेड डिस्क हाइर रेजोलेशन सपोर्ट करती है और डीवीडी के कंपेयर में मोर एडवांस्ड ऑडियो एंड वीडियो को सपोर्ट करती है ओके okay? तो हम थर्ड बात करते हैं सी डी सी डी फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क इट इज़ ए थिन ऑप्टिकल डिस्क विच इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो डेटा इसकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क से कम और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है स्टैंडर्ड 120 ट्वेंटी एम एम सी डी की कैपेसिटी होती है वो सेवन हंड्रेड एम बी होती है अगर सी डी के सरफेस पर हल्का सा भी स्क्रैच आ जाता है तो इसको रीड एंड राइट करने में प्रॉब्लम होती है अगर हम बात करें इसके ट्रांसफर स्पीड की सो so, ट्रांसफर स्पीड इज मैंशन एज ए मल्टीपल ऑफ वन फिफ्टी के बी पर सेकेंड फॉर एग्ज़ाम्पल फोर एक्स मीन्स सिक्स हंड्रेड के बी सेकेंड सो नेक्स्ट हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं वो है मैग्नेटिक टेप्स मैग्नेटिक टेप दिखने में तो पुराने जमाने के टैप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह होती है सो इसमें प्लास्टिक के रिबन पर मैग्नेटिक मैटर की लेयर्स होती है सो डेटा स्टोर करने के लिए हेड का यूज़ किया जाता है सेम टेप रिकॉर्डर की तरह सो so, इस टेप को मल्टीपल टाइम्स राइट एंड डिलीट किया जा सकता है एंड मैग्नेटिक टेप काफ़ी सस्ते होते हैं ओके सो हम नेक्स्ट बात करते हैं डी वी डी डी वी डी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस डीवीडी को सिंगल साइड और डबल साइड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं सो so, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सीडी से ज़्यादा होती है ओके ऑलमोस्ट 4.7 पॉइंट सेवन जी बी टू सेवनटीन जी लिखने में तो सेम सीडी की तरह होती है और स्क्रैच की प्रॉब्लम यहाँ पर भी होती है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यू एस बी पेन ड्राइव पेन ड्राइव प्रेजेंट टाइम का सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी है जो यू एस बी पोर्ट के मीडियम से कनेक्ट होता है ड्राइव एक स्मॉल पोर्टेबल मेमोरी है जिसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क से कम बट फ्लॉपी और सी डी से ज़्यादा होती है इसका यूज़ वीडियो ऑडियो के अलावा अदर डेटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है एंड इट इज़ मोर रिलायबल सो लास्ट हम सेकेंडरी डिवाइस की बात करते हैं वो है मेमोरी कार्ड्स मेमोरी कार्ड भी डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका मेनली यूज़ डिजिटल कैमरास, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स म्यूज़िक प्लेयर्स वीडियो गेम्स में किया जाता है मेमोरी कार्ड्स में हाई रिकॉर्डिंग की एबिलिटी है और बिना पावर के डेटा स्टोर करता है मेमोरी कार्ड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फर्स्ट फुल एस कार्ड सेकेंड मिनी एस कार्ड एंड थर्ड इज़ माइक्रो एस कार्ड बट आज के टाइम में सिर्फ माइक्रो एस कार्ड यूज़ होते हैं इसकी क्लासेस भी होती है जो डिफाइन करती है कि कितनी स्पीड से डेटा को रीड करता है या राइट करता है ओके सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय